दोस्तों नमस्कार, मैं हूं मनी पांडे और आप देख रहे हैं वेस्टर्न बैंक्स। दोस्तों आज का ये वीडियो एचडीएफसी बैंक के ऊपर होने वाला है। अगर आप एचडीएफसी बैंक में एक खाता खुलवाने के बारे में प्लानिंग कर रहे हैं या फिर आपने सोचा है ऑनलाइन या फिर एक ऑफलाइन बैंक अकाउंट एचडीएफसी बैंक के साथ ओपन करवाने के लिए, तो इस वीडियो को निश्चित तौर पर अंत तक देखिएगा। दोस्तों इस वीडियो में हम आपको बताएंगे एचडीएफसी बैंक अकाउंट के बारे में, क्या एचडीएफसी बैंक आपको जीरो बैलेंस अकाउंट ऑफर करता है या फिर नहीं, यानी आप एक ऐसा खाता जहां पर आपको बैलेंस मेंटेन करने की ज़रूरत ना पड़े, यानी आपके खाते में अगर जीरो रुपए भी रहें फिर भी आपसे बैंक द्वारा कोई भी चार्जेस ना काटे जाए, कोई भी हिडन चार्जेस ना हो, किसी भी तरीके का अदर चार्जेस बैंक द्वारा ना काटा जाए, इस तरीके का कोई खाता एचडीएफसी बैंक में है या फिर नहीं। अगर है तो आप उसे ऑनलाइन ओपन कर सकते हैं या फिर नहीं, और अगर इस तरीके का खाता एचडीएफसी बैंक ऑफर नहीं करता है तो कौन कौन से तरीके का खाता एचडीएफसी बैंक ऑफर करता है और किस तरीके से आपको उसे आवेदन करना है, सारी चीज़ें इस वीडियो में हम आपको डिस्कशन करेंगे। तो इस वीडियो में निश्चित तौर पर अंत तक बने रहिएगा। उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों सबसे पहला सवाल ये आता है कि आखिर एचडीएफसी बैंक पे ये वीडियो बनाने की जरूरत क्यों पड़ी, यहाँ पर जीरो बैलेंस अकाउंट खुलेगा या फिर नहीं, ये बताने की या फिर ये जानने की आपको ज़रूरत क्यों है, इसके बारे में हम आपको बता देते हैं। दोस्तों एचडीएफसी बैंक भारत का टॉप प्राइवेट सेक्टर बैंक है, यहाँ पर इसका बहुत ज़्यादा नाम है भारत के अंदर, और अगर प्राइवेट सेक्टर में सबसे पहले किसी बैंक का नाम आता है तो ऐसे में एचडीएफसी बैंक का नाम आता है। दोस्तों एचडीएफसी बैंक के सर्विसेज भी बहुत ज़्यादा तगड़ी हैं, ढेरों सारे डिस्काउंट मिलते हैं और भी बहुत सारी ऐसी बेनिफिट्स हैं जो सिर्फ और सिर्फ एचडीएफसी बैंक प्रोवाइड करता है। ऐसे में लोग ये चाहते हैं कि हम एचडीएफसी बैंक के साथ अपना एक बैंक अकाउंट ओपन कर लें, और मैक्सिमम भारत में ऐसे लोग हैं जो जीरो बैलेंस अकाउंट की तलाश में रहते हैं, यानी उनके पास पैसे कम होते हैं जिस कारण से वो एक ऐसा अकाउंट चाहते हैं जहां पर उन्हें डिस्काउंट भी मिल जाए और वहां पर उन्हें पैसे मेंटेन भी ना करना पड़े और कोई भी चार्जेस भी ना कट पाए। ऐसे में लोग सबसे पहले एचडीएफसी बैंक की ओर रुख करते हैं, लेकिन वहां पर उनके साथ बहुत बार धोखाधड़ी भी हो जाता है। ऐसे में वो लोग समझते हैं कि जीरो बैलेंस अकाउंट यहां पर ओपन होगा और उनके साथ कुछ गलत हो जाता है, तो इसीलिए यहां पर एचडीएफसी बैंक के लिए ये वीडियो बहुत ज़रूरी है। दोस्तों अब हम आपको बताते हैं आखिर एचडीएफसी बैंक आपको एक जीरो बैलेंस खाता ऑफर करता है या फिर नहीं करता है। दोस्तों अगर साफ तौर पर बिना समय वेस्ट किए हम आपको बताएं तो एचडीएफसी बैंक आपको एक जीरो बैलेंस खाता ऑफर नहीं करता है, यानी एचडीएफसी बैंक कोई भी ऐसा बैंक अकाउंट ऑफर नहीं करता है जहां पर आपको जीरो बैलेंस अकाउंट की फैसिलिटी मिले, पैसे मेंटेन ना करना हो। दोस्तों यहां पर आपको कम से कम 5000 मेंटेन करने वाला अकाउंट खोलना ही होगा, इसके अलावा 10000 होता है, 15000 होता है, जितने भी ब्रांचेस होते हैं वे ब्रांचेस के ऊपर डिपेंड करते हैं कि कौन कितना मेंटेन करवाना चाहता है, लेकिन यहाँ पर जो रूरल एरियाज होते हैं उनमें कम से कम 5000 मेंटेन करने वाला सेविंग अकाउंट आपको ओपन करना ही होता है। एचडीएफसी बैंक आपको किसी भी तरीके का जीरो बैलेंस अकाउंट नहीं देता है जहाँ पर आपको जीरो रुपए भी अगर खाते में रहे तो आपसे चार्जेस ना काटे जाएं। ऐसे में अगर आप इस तरीके का कोई बैंक अकाउंट खोलते हैं जहाँ पर आपको जीरो बैलेंस अकाउंट बताया जाता है और आप एचडीएफसी बैंक के साथ अकाउंट ओपन कर लेते हैं, तो ऐसे में वहाँ पर आपको चार्जेस काटे जाएंगे, आपका वो जीरो बैलेंस अकाउंट नहीं होता है। हाँ, यहाँ पर ब्रांचेस में कुछ ऐसे ऑफर जरूर होते हैं जहाँ पर आप जाके ब्रांच में जीरो बैलेंस अकाउंट के लिए आवेदन कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको एक चीज़ साफ तौर पे बताना चाहता हूँ, जितने भी प्राइवेट बैंक्स होते हैं आखिर वो जीरो बैलेंस अकाउंट क्यों नहीं ऑफर करते हैं, इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। दोस्तों जैसे कि एचडीएफसी बैंक है वो एक प्राइवेट सेक्टर बैंक है, और ये आपको जीरो बैलेंस अकाउंट इसलिए ऑफर नहीं करता है क्योंकि यहाँ पर प्राइवेट सेक्टर बैंक को अगर बेनिफिट ना हो तो फिर उन्हें फंडिंग नहीं मिलेगी, उनके शेयर के प्राइस गिर जाएंगे और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। ऐसे में अगर वो जो भी आप फंडिंग करते हैं अपने अकाउंट में, यानी अगर आप जितना ही ज़्यादा पैसा अपने अकाउंट में रखेंगे उतना ज़्यादा बैंक को बेनिफिट होगा। अगर आप अपने अकाउंट में एक भी रुपये नहीं रखते हैं तो यहाँ पर बैंक को बहुत कम बेनिफिट होने वाला है, बेनिफिट ही नहीं होगा, सबसे बड़ा पॉइंट है बेनिफिट ही नहीं होगा। यहाँ पर जो चार्जेस वगैरह भी अगर नहीं बैंक आपसे काटेगी तो बैंक जो है नुकसान में जाती जाएगी। तो आखिर एचडीएफसी बैंक आपको जीरो बैलेंस अकाउंट क्यों ऑफर करेगा, सबसे बड़ा पॉइंट ये है, और यही वो कारण है जिस कारण से एचडीएफसी बैंक जैसा बैंक जो है जीरो बैलेंस अकाउंट ऑफर नहीं करता है। हालांकि यहाँ पर हम आपको एक्सिस बैंक और आईसीआईसीआई बैंक के बारे में भी आगे के वीडियोस में बताएंगे। यहाँ पर आईसीआईसीआई बैंक एक ऐसा बैंक है जो जीरो बैलेंस अकाउंट ऑफर करता है, लेकिन उसमें भी एक डिमेरिट है, और वो क्यों ऐसा होता है, क्यों आईसीआईसीआई बैंक आपको जीरो बैलेंस अकाउंट देता है, इसके बारे में भी हम आपको अगले किसी वीडियोज़ में बता देंगे। तो अब इतने सारे बातों को सुनने के बाद आपको ये पता लग ही गया होगा कि एचडीएफसी बैंक में एक जीरो बैलेंस खाता नहीं खोल सकते हैं।
अब बात ये आती है कि HDFC बैंक में एक ऐसा सेविंग अकाउंट कैसे खोले जहां पर कम से कम पैसे मेंटेन करने हो और कम से कम चार्जेस लगे। तो दोस्तों HDFC बैंक में एक सेविंग अकाउंट खोलने के लिए आपको कम से कम 5,000 रुपये अकाउंट में डालने होंगे और ये जो सेविंग अकाउंट है आप ऑनलाइन खोल सकते हैं। यहाँ पर HDFC बैंक में एक सेविंग अकाउंट खोलने का जो लिंक है आपको यहाँ पर हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है, वहाँ पर आपको एक अकाउंट ओपनिंग का लिंक मिलेगा। उस लिंक पर क्लिक करके आपको यहाँ पर वेबसाइट पर आ जाना है। वेबसाइट आपको कुछ इस तरीके का दिखेगा। यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर वगैरह जो भी डिटेल्स आपसे मांगे जाए डाल के प्रोसीड करना है। प्रोसीड करने के बाद यहाँ पर जो है आपका बैंक अकाउंट जो भी आपका HDFC बैंक सेविंग अकाउंट देता है वो यहाँ पर खुल जाएगा। लेकिन यहाँ पर 5,000 वाला बैंक अकाउंट आपको ओपन करने के लिए आपको कोई भी एक विलेज का ब्रांच सेलेक्ट करना पड़ेगा, यानी किसी भी गाँव का ब्रांच आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा, तभी आपको अकाउंट में 5,000 रुपये मेंटेन करने होंगे। तो अगर आपको HDFC बैंक के साथ एक सेविंग अकाउंट खोलना है यानी जहां पर आपको कम से कम पैसे मेंटेन करने हो 5,000, तो उसके लिए आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है, अकाउंट ओपनिंग के लिंक पे क्लिक करना है और बैंक अकाउंट खोल लेना है HDFC बैंक के साथ। दोस्तों HDFC बैंक में अपना एक सेविंग अकाउंट ओपन करने के लिए इससे अच्छा मौका और इससे सस्ता मौका आपको कभी भी नहीं मिलेगा। तो अगर आपको कम से कम रुपए में आपको HDFC बैंक में एक खाता खुलवाना है और ढेरों सारे डिस्काउंट्स के फायदे उठाने हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में दिए हुए अकाउंट ओपनिंग के लिंक पे क्लिक करना होगा और वहां से जाके आपको बैंक अकाउंट ओपन करना होगा। दोस्तों अब वीडियो के लास्ट में ये बताते हैं कि आखिर जो भी यूट्यूब पे या फिर गूगल पे आर्टिकल और वीडियोज पड़े हुए हैं वहां पर जीरो बैलेंस अकाउंट का यूज किया जाता है, ऐसे में वो कैसे वीडियोज है कैसे आर्टिकल्स हैं। दोस्तों मैं आपको साफ तौर पे बताना चाहता हूँ, जो भी वीडियोस YouTube पे या फिर Google पे आप आर्टिकल्स देखते हैं HDFC बैंक में जीरो बैलेंस अकाउंट का, वो असल में जीरो बैलेंस अकाउंट का वीडियो या फिर आर्टिकल नहीं होता है, वो असल में सेविंग अकाउंट का आर्टिकल होता है। यहाँ पर जो है उन सभी वीडियोज़ को या फिर आप आर्टिकल्स को देख के पढ़ के आप जो है सिर्फ और सिर्फ सेविंग अकाउंट ही ओपन कर सकते हैं। दोस्तों अब यहाँ पर बात करते हैं ऑफलाइन अकाउंट ओपनिंग के बारे में कि क्या अगर आप ऑफलाइन अकाउंट ओपन करते हैं तो आप वहाँ पर जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन कर पाएंगे या फिर नहीं। दोस्तों ब्रांच के ऊपर डिपेंड करता है ये सारी बातें। अगर ब्रांच वाले चाहे तो यहां पर आपका जो है जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन कर सकते हैं, ये बैंक ऑफर देता है। लेकिन अगर वो आपका जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन करते हैं तो वहां पर ब्रांच वाले को कोई भी बेनिफिट्स नहीं होंगे बैंक को, इसलिए वहां पर जो है आपको डायरेक्टली मना कर दिया जाता है कि हमारा बैंक जीरो बैलेंस अकाउंट ऑफर नहीं करता है। लेकिन ऐसी कुछ भी बात नहीं है, बैंक यहां पर ऑफर करता है लेकिन ब्रांच वाले आपका बैंक अकाउंट नहीं खोलते हैं। अगर आपको ऑफलाइन बैंक अकाउंट खुलवाना है HDFC बैंक के साथ, वो भी सेविंग अकाउंट, तो आपको जो है अपना एक आधार कार्ड, पैन कार्ड और साथ ही 2 फोटोग्राफ कलरफुल पासपोर्ट साइज ले लेना है और वहां पर ब्रांच में चले जाना है, आपका फटाफट से बैंक अकाउंट खोल दिया जाएगा। उम्मीद करता हूं कि वीडियो में हमने आपको सारा डिटेल बता दिया है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और इस पर कॉमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।